युगवीडा लाइब्रेरी में है और यहाँ पे ये कैंटोनमेंट एरिया है और शन हॉल में तो आ चुके हैं और अभी मेन जो गेस्ट हैं उनका वेट हो रहा है डॉक्टर आर के सिंह सर, तो वो जैसे ही आएंगे हम इनॉग्रेशन करेंगे और यहाँ पे ओपनिंग करेंगे अपने आर्ट एग्जीबिशन की। और साथ में जो है एनजीओ की जॉइंट सेक्रेटरी मैं डॉक्टर अनुजा से जिनकी पेंटिंग्स देखने आई हूँ। आने में दूर है पर दिए अभी से आप लेके सेव कर सकते हैं अपने घर में और बहुत ये देर तक चलते हैं, शायद दो दो घंटे, इसमें बार बार ऑयल डालने की जरूरत नहीं है। अब ये कुछ विदाउट वैक्स भी है जिसमें आप भी अपने पावर को दिखा रही है कि हम बिना आंखों के भी सब कुछ देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें आंख लगा के ही सारी कुछ चीजें देखने की जरूरत है। ये सत्य है वो बताया जा रहा है हम बैठे होते घर में पता लगा लेते हैं ना कि वहाँ क्या हो रहा होगा। हमारी संस्था के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो ये बनाई हुई चीज़ें हैं जब तक इनका डिस्प्ले नहीं होगा तब तक जानकारी नहीं होगा। ये संस्था क्या है और किस तरीके के काम करती है? एक ऐसी संस्था है जो लेडीज जो होती हैं जो बेरोजगार हैं और उनको रोजगार देने के लिए काम करती है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। ये स्थिति और जो कि
बरेली की है फ्रेंड, और इसके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखते हैं। और मेरी पेंटिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी सर वहाँ पर? ये जो एग्जीबिशन हमने लगाई है इसका मेन उद्देश्य है, जो इस समय जन्माष्टमी चल रही है तो इससे रिलेटेड हमारी ज़्यादा पेंटिंग्स हैं, और थीम ऑफ लव इसको मैंने नाम दिया है पेंटिंग के एग्जीबिशन का। और आप क्या जानना चाहते हैं मेरी पेंटिंग्स के बारे में? थीम ऑफ लव और कृष्णा का चल रहा है तो उससे रिलेटेड मैंने लगाई है एग्जीबिशन। मिक्स एंड मीडिया दो टाइप की मैंने पेंटिंग लगाई है, एक मेरी ऑयल कलर पेंटिंग है और दूसरा जो एक्रेलिक कलर पेंटिंग है। ये गाय हो गए माता है, बढ़िया है। कोई और भी कुछ पूछना चाहे? बरेली में हूँ, एग्जीबिशन लगाते हुए ये है बिल्कुल जी। और मैं कंग्रेचुलेट बोलती हूँ रीना मैम की पेंटिंग्स आर सो रियलिस्टिक, सो रिलेटेबल, मतलब सच्चाई दिख रही थी पेंटिंग में। थैंक यू। आप जिस मूड के साथ में बैठे हो वो मूड पूरा पूरा पेंटिंग में रिफ्लेक्टेड है, आप देख के समझ सकते हो कि मैम ने किस ओरिएंटेशन से वो पेंटिंग बनाई होगी। एंड इट वाज सो प्रिटी, बहुत अच्छे पूरे पूरे सीन्स जो थे वो डिपिक्टेड थे पेंटिंग्स में, दे वर वेरी नाइस। और मुझे बहुत खुशी हुई इसने कल मुझे कॉल भी किया और अपने वादे की पक्की निकली और सबसे लास्ट में आई, लेकिन सबसे अच्छी गेस्ट यही निकली कि मेरी पेंटिंग की काफ़ी तारीफ की, मुझे थैंक यू। और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जल्दी हमें और बहुत सारी